हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत आप सभी का अपने ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज है गोवर्धन पूजा और अभी जो है गोवर्धन पूजा की स्टार्टिंग हो गई है। उन्हें तैयारी कर रहे हैं और हमारा बउआ ये जो है ये हमको कुछ नहीं करने देता। हमने पिछले ब्लॉग में ही बताया कि हमको बहुत दिक्कत होती है ब्लॉग बनाने में। तो ये उड़ जाते हैं, रोने लगते हैं, तो हमें पहले इन्हें देखना पड़ता है। तो ये देखो, मैं दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स, हमारे घर गोवर्धन की पूजा स्टार्ट हो गई है, तैयारी हो रही है। और ये देखो, इसमें जो है अंदर रखे हुए गोवर्धन का, तो अभी तैयारी हो रही है, ये भर के रखे जाएंगे। तो अभी इनकी कुटिया भर के रख दी गई। इसमें देखो, घर की सुरक्षा में लगे हुए हैं। सही है, बच्चा से हमने कह दिया आज है परिवार, और आज अगर पढ़ाई नहीं करी तो तुम पूरे साल मार खाओगे, पिटाई होगी। तो किताब लेके बैठ गए, सुबह से मोबाइल चला रहे थे, अब लेके बैठे किताब, देखें कितना पढ़ेंगे। और ये देखो, हमारे गोवर्धन ये रखे हुए हैं, दिखाते हैं आपको। अरे वो भी खाएंगे, जो करना दे दे उसको। जो कुछ नहीं करने देंगे, करो भाई पूजा, ले लो। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ इसी तरीके से पूजा होती है। आप लोगों के यहाँ कैसे होती है ज़रूर बताएं। गोवर्धन पूजा, उसे जला लो दीपक से। तो 11 जल गई। और इसमें सब अलग अलग हैं, ये सामने बैठे हुए हैं, ये चौकीदार हैं इस घर के रखवाले, और ये इनका पूरा जो है घर छाए दिया है। वैसे कहते हैं कि मतलब जब ये गोवर्धन के बाहर रजाई निकालते हैं लोग, पता तुम्हें गांव वाले, सबसे पहले गोवर्धन के लिए रुई रुई मतलब कॉटन जो है ये रखा जाता है, तब जाके ठंड की शुरुआत होती है। और जो है हम लोग भी अपने गर्म कपड़े निकाल लेते हैं, जैसे रजाई हो गए, गर्म कपड़े हो गए, तो यहाँ से शुरुआत हो जाती है। और अब एक ही कुचरिया से निकाल के मुँह चढ़ाएंगे इनको। हमारे छोटे के चक्कर में कोई शूटिंग वोटिंग नहीं हो पाती, व्लॉग नहीं बन पाता। खिलौना नहीं चलाओगे? मीठा चढ़ा दिया, पूड़ी, गोवर्धन